मैं बात शुरू करूंगी इस चीज़ से कि मैं एक लॉ की स्टूडेंट हूं और जो मेरे सामने एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, एक लॉ की स्टूडेंट होने के नाते भी ये अगर हम इसको एनालाइज करें तो साफ शब्दों में, इजी शब्दों में ये दिखता है कि इसकी कोई हमें अभी देश में ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर सच में सरकार, हमारा मोदी सरकार और अमित शाह जी चाहते थे कि जो श्रद्धालु हैं जिनको शायद किसी रूप से भी धर्म के नाम पे हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए वो कोई भारत में दरवाजे खोलना चाहते थे, तो सिंपल सवाल ये है कि ये तीन देश ही क्यों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ही क्यों? और एक और सवाल जो इसमें ऐड हो जाता है वो ये है कि अगर आप सच में रिलीजियस पर्सिक्यूशन के पीड़ित लोगों को सिटीजनशिप देना चाहते थे तो मुसलमान जो हैं उनका नाम इसमें क्यों नहीं है? तो ये दो रूप से ही मैं अपनी बात को शुरू करूंगी, जिसमें काफ़ी सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो कुछ इस तरह से मुसलमान हैं जो वहाँ पे भी पीड़ित हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, उनको क्यों सिटीजनशिप नहीं दिया जा रहा अगर वो भी वहाँ के पीड़ित हैं। सिमिलरली हमारे पास एक बहुत बड़ा रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो म्यांमार से हमारे देश में भी आए हैं, उनके ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? बल्कि उसका केस तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है और इस बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे उनके साथ जीनोसाइड कमिट किया जा रहा है, वो भी धर्म के नाम पे। और मैं इस बात को भी बता दूं कि रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से हमारे देश में भी आए हैं, बांग्लादेश में भी गए हैं, वो लोगों की भी वहाँ पर सिटीजनशिप नहीं है। तो जिस तरह का कानून आज हमारे देश के अंदर आया है, उस तरह का कानून म्यांमार के अंदर आ चुका है। और अब यही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पहले ही रूप से संविधान के विरोध में खड़ा है, क्योंकि आर्टिकल 14, सर ने भी इससे पहले बताया था, आर्टिकल 14 की वायलेशन कर रहा है। और आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 में कहीं पे भी सिटीजन मेंशन नहीं है, उसमें पर्सन मेंशन है। तो अगर कोई इस देश का नागरिक भी नहीं है, अगर कोई नॉर्मल आदमी है, उसके साथ भी भेदभाव हो रहा है, तो वो हमारा संविधान उस चीज़ की परमिशन नहीं देता। लेकिन अब जो जिस तरह का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है वो पूरी तरह से आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि वो धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन को लीगलाइज कर रहा है। और साथ ही में मैंने जब शुरू में कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमारे देश के अंदर सिटीजनशिप का ये जो पूरा डिबेट आज चल रहा है वो 70 साल पहले हो चुका है। 1950 में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट, उस समय में जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1950 का, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था जब उस दौर में संविधान लिखा जा रहा था, तो वहाँ पे बहुत बहसें हुई थी। आज के लोकसभा में तो कोई बहस नहीं हुआ, बस इसको रात में गए पास कर दिया, राज्यसभा में भी पास कर दिया, लेकिन उस समय इतना बहस हुआ। और इस चीज़ को लोगों ने, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, इस चीज़ को कहा कि रिलीजियस लाइंस पे सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेकुलर नेशन बनेगा और इसी की ही एक विजन के साथ भारत जैसे देश का निर्माण हुआ। और आज फिर से हमें 70 ईयर्स वापस ये सरकार लेके जा रहा है और वही सारा डिबेट दोबारा से आज इस देश के अंदर शुरू कर रहा है। और जब मैंने पहले कहा कि क्या हमें इस एक्ट की ज़रूरत है, वो मैंने इसलिए कहा कि नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पासपोर्ट एक्ट हो, बहुत सारी इस तरह की ऑलरेडी एक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा से लेके काफ़ी सारे और चीज़ें हैं, सुविधाएँ हैं, जिससे बाकी जो भी देशों के लोग हैं जो शायद हिंदू हो सकते हैं, वहाँ पर पीड़ित हैं, उनको हमारे देश में रहने की अनुमति मिलती है। और इसके अलावा मैं इस बात को यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो मैं काफ़ी समय से कहना चाह रही थी, वो ये है कि मैं नहीं मानती इस बात को कि ये जो आज हमारे देश के अंदर हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी एजेंडा से डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आज जो देश के अंदर ये सरकार कर रहा है वही इस सरकार का एजेंडा है, यही RSS का एजेंडा है। इनका एजेंडा कभी डेवलपमेंट नहीं था, इनका एजेंडा कभी भी 2 करोड़ रोज़गार देना नहीं था, 15 लाख रुपए देना नहीं था। इनका एजेंडा हमेशा से इस देश का विभाजन था, इस देश के अंदर किसी भी तरह से एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे जैसे कोई अल्पसंख्यक तो नहीं है, लेकिन साथ ही में दलित भी, पिछड़े भी, आदिवासी भी, महिलाएँ भी, उनकी भी कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से एक मनुस्मृति के ऊपर आधारित, जो जिस समय में वो इसको संविधान बनाना चाहते थे उसी को ही आज ये अपना फिर से एजेंडा बना रहे हैं, उसी के ही ऊपर आज पूरा काम किया जा रहा है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट, अगर कोई बोले कि ये सरकार क्यों नहीं कर रहा, इसके ऊपर बात क्यों नहीं कर रहा, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डेवलपमेंट एक मखौटा था, लेकिन आज वो मखौटा गिर चुका है और आज हमारे सामने साफ हो चुका है कि इनका एजेंडा क्या है।
सिर्फ नफरत फैलाने का ही इनका इकलौता एकमात्र एजेंडा है जिसको हम लोगों को एक्सपोज करते हैं करना होगा। और ये जो पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है वो NRC के साथ जोड़ के ही हमें हमेशा देखना पड़ेगा। और साथ में अब जो सरकार बोल रहा है NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसके साथ जोड़ के देखना पड़ेगा। और मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने खड़े होकर वहाँ पर झूठ बोला कि कभी भी देश में NRC के बारे में उन्होंने बात नहीं की। अमित शाह ने तो खुद इसके बारे में काफ़ी सारी बात की हैं। और डिटेंशन सेंटर हमारे देश के अंदर नहीं है, बल्कि ये भी झूठ है क्योंकि आसाम के अंदर डिटेंशन सेंटर के अंदर लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अभी एक महिला का एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी मौत वहाँ पर हो गई। ये वहाँ पर हो रहा है, कर्नाटका के अंदर भी डिटेंशन सेंटर्स को बनाया जा रहा है। और एक्चुअल में ये क्या है, क्या कोई नॉर्मल आदमी अगर इसको सुने और वो समझना चाहे कि देश में क्या हो रहा है, तो उसके लिए साफ सिंपल शब्दों में यही है कि आपको जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है देश को पोलराइज करने के लिए, और NRC में आपको अपनी सिटीजनशिप का आपको सरकार के सामने जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं, जिस सरकार को हमने चुना है जितने भी सालों के लिए चुना हो, वो सरकार आज हमसे ही पूछ रहा है कि आप इस देश में रहने लायक हैं या नहीं। इसका आप लोग आप हमारे ऊपर इसका एक बर्डन है कि आप लोग प्रूफ करिए कि आप इस देश के रहने लायक नागरिक हैं या नहीं। तो ये NRC जो एक एक्सरसाइज होगा उसमें हमें अपने पुराने घरों के शायद कागजात दिखाने पड़ेंगे। और मैं अगर आपको सच में बताऊं तो मेरे घर वाले खुद पार्टीशन में यहाँ पर आए थे, पंजाब से पाकिस्तान, रावलपिंडी से मेरे ग्रैंडफादर थे और यहाँ पर मूव करके वो आए। और अब हमसे भी पूछा जाएगा कि आप कोई पुराने कागजात दिखाइए, तो कोई भी कागजात के ऊपर हमारा देश बना नहीं था। उस समय भी ये देश का यही कॉन्सेप्ट था कि अगर आप एक सेकुलर देश में रहना चाहते हैं तो सब लोगों ने भारत को चुना था और सब लोग भारत के अंदर आए थे, तो कागज़ तो हमारे पास भी नहीं है, इसीलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। लेकिन साथ में एक बड़ा इसका जो एक इम्पैक्ट है वो हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि वो हमारे मुस्लिम दोस्तों के लिए है, क्योंकि वो लोगों को तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो सो कॉल्ड प्रोटेक्शन भी ये लोग कह रहे हैं उससे भी बाहर कर दिया है। और अगर NRC और CAA को हम आपस में जोड़ के देखें, और मेरे जैसे फैमिली का अगर कोई एग्जांपल हो, तो यही है कि हमारे पास तो कागजात नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो हमें ये कहा जा रहा है कि आप जाइए CAA के अंदर, आप उसमें बताइए कि आप ये तीन देशों से आए हैं और आपके साथ वहाँ पर किसी तरह का धर्म के नाम पे कोई आपको प्रताड़ित किया गया था और अब आप भारत की नागरिकता लीजिए। लेकिन हम झूठ क्यों बोलें, हमें धर्म के नाम पर प्रताड़ित नहीं किया गया था, हम लोग इस देश के ही पैदावार हैं, हम इस देश के अंदर ही पैदा हुए हैं। तो हमको भी ये कहा जा रहा है जितने भी नॉन मुस्लिम हैं कि आप लोग एक नेचुरलाइज्ड माइग्रेंट इस देश में बनिए, 6 साल का वेट करिए और उसके बाद हम आपको सिटीजनशिप देंगे अगर आप CAA के रास्ते से आना चाहते हैं। और जो मुसलमान हैं उनके लिए तो साफ कर दिया है कि आपको किसी भी रूप से इस देश की नागरिकता आपकी छिन जाए, इसका काम सरकार कर रहा है। और अभी ना सिर्फ CAA जैसे कानून के साथ, बल्कि रिसेंटली अगर किसी ने देखा हो तो RBI ने अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया है, और उसमें RBI ने एक क्लॉज डाला है कि अगर KYC होगा, KYC मतलब नो योर कस्टमर, अगर आप अपने कस्टमर को जानना चाहते हैं तो उसमें रिलीजन का भी क्लॉज उन्होंने ऐड कर दिया है। आप अपना धर्म आपको पहले बताना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि CAA के अंदर ये लिखा है कि कोई भी अगर वो सारे 5 धर्म को छोड़ दें तो बाकी कोई भी और धर्म का है, मुसलमान है या एथीस्ट है, तो इस देश के अंदर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो उसी के लिए ही वो जानने के लिए कि कहीं आप अगर इस देश के मुसलमान हैं और आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप कहीं वो तीन देशों से नहीं हैं, और अगर आप उन तीन देशों से हैं तो आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, आप बैंक का खाता नहीं बना सकते। तो यहाँ पर भी एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म RBI तक, बैंकिंग सिस्टम तक, जिसका तो आज हालत बहुत ख़राब है, लेकिन उसके अंदर भी घुस चुका है। तो ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन का लेवल है वो हर जगह पर चल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं अपने टॉपिक से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करती जा रही हूँ, लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ जो ज़रूरी है कि ये जो आंदोलन आज चल रहा है वो सच में हमारे मुसलमान बहनें और भाई इसको चला रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे हैं। और हम बहुत सारे रूप से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट कर पाएँ, जिसका काफ़ी सारा प्रयास चल रहा है स्टूडेंट्स के माध्यम से भी, यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, लेकिन एक्चुअल में जो इसको चला रहा है वही लोग फोरफ्रंट पे हैं। और मैं इस बात को भी मैं मानती हूँ कि हम लोग अगर बोलना बंद भी कर दें लेकिन वो अपने लिए लड़ेगा, क्योंकि उनकी आज ये जीने मरने का सवाल है। और ख़ास तौर पे आज ये आंदोलन इस चीज़ को भी दिखा रहा है, जो आइडेंटिटी को एजर्ट करके वो लोग सामने आ रहे हैं, वो इस चीज़ को भी दिखा रहा है कि इतने सालों तक जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे
उन लोगों ने ट्रस्ट किया, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी इस पर ट्रस्ट किया, और हमेशा इस बात को कहा गया कि आप मुसलमान हैं, आप सेक्युलर देश में रह रहे हैं, तो आप अपने आइडेंटिटी को मत बोलिए रिलीजियसली, आप अपनी आइडेंटिटी को क्यों बार बार एजर्ट करें, आप थोड़ा इसको हिंदू मुस्लिम नहीं बनाना है मुद्दे को, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, किसी और को बोलने दीजिए। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे, ये हमारा देश है, ये देश में बनाने में हमारा भी योगदान है, ये किसी और का देश नहीं है, ये हमारा देश है, और क्यों प्रूफ करें तुमको, ये हमारा संविधान है, हम इसके लिए लड़ेंगे, और वो लोग लड़ रहे हैं। और आज हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम उनका साथ दें, क्योंकि ये टेस्ट हमारा है, हमारे जैसे लोगों का ये टेस्ट है कि क्या जो भारत बना था और हम लोगों ने उस समय इनको ये वादा किया था कि एक सेक्युलर भारत होगा, इस भारत में सब लोग साथ में रहेंगे, किसी के साथ किसी भी तौर का शोषण नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आज तो ये हमारे लिए बड़ा सवाल है कि क्या हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं, वो जो हमने वादा किया था उसको पूरा आज हमें करना है। तो वो लोग आगे चले, हम उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चले, यही आज हमारा एक काम होना चाहिए। और आखिरी में मैं इस बात को भी यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जो NPR का भी पूरा एक्सरसाइज अब अप्रैल में शुरू होने वाला है, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग बात कर रहे हैं, मैं कोई बहुत स्कॉलर नहीं हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी NRC का ही एक पूरा एक फर्स्ट चीज़ है, उसका डेटा कलेक्ट करने का है, क्योंकि हमारे घर पे वो लोग आएंगे, जिस तरह से सेंसस होता है आमतौर पे हमारे घर आता है, और मुझे अच्छे से याद है जब मैं बहुत छोटी थी और वो 2010 में हुआ था, तो हमारे घर आए थे, और उस टाइम उन्होंने पूछा था कि आपका क्या धर्म है, आपका क्या जात है, आपका क्या, कितने लोग रहते हैं, क्या जेंडर है। लेकिन इस बार सवाल और भी होगा, इस बार सवाल ये होगा कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए अपने पेरेंट्स का कि वो कहाँ पे पैदा हुए, क्या आप यहीं पे पैदा हुए थे, आप किस समय में यहाँ पैदा हुए थे। और अगर उस आदमी को जो हमारे घर आया होगा उसको थोड़ा सा भी लगे कि शायद ये सच नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो वो हमें डाउटफुल की श्रेणी में डाल सकते हैं। और जब आप डाउटफुल की श्रेणी में चले गए और उसके बाद अगर NRC का एक्सरसाइज शुरू होगा, तो आपको फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल के सामने जाकर प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं, आप सच में इस देश के नागरिक हैं। और इस तरह से NPR और NRC पूरी तरह से कनेक्टेड है, और असम में तो हमने देखा, बल्कि इतने सालों से पहले से लोगों को मालूम है कि NRC होने वाला है, तब भी 19 लाख लोग उससे बाहर हो गए, और उसमें कारगिल में जंग लड़ने वाले मोहम्मद सनउल्ला, हाँ वो भी शामिल थे। और तो अगर पूरे भारत के अंदर इस तरह का एक्सरसाइज होगा तो वो बहुत बड़ा डिज़ास्टर साबित होने वाला है। और ये बात भी मेरे से पहले किसी ने कहा ही है, लेकिन ये इतनी आम बात है इसीलिए मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारे डॉक्यूमेंट्स में आमतौर पे भारत में सबके डॉक्यूमेंट्स में गलती होता है। मेरे फादर का नाम गोविंद सिंह है, GOBIND, और आमतौर पे मेरे डॉक्यूमेंट्स में वो V लिखा हुआ है, गोविंद। इसका एक रीज़न तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट बना रहा है उसको शायद हमारे समुदाय के लोगों के नाम समझ में भी नहीं आते, क्योंकि वो इजी नाम नहीं है, वो अलग अलग तरह के नाम है, सुने नहीं हुए, अद्भुत नाम लगते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं, कवलप्रीत की जगह कई बार कनवलप्रीत लिखा जाता है। तो अब अगर इसी तरह के डॉक्यूमेंट हम लेके जाएंगे तो हम भी बिल्कुल, हमें मालूम है कि हम इस पूरी एक्सरसाइज से बाहर होंगे। तो ये तो बहुत बड़ा, भारत के अधिकतर लोगों के डॉक्यूमेंट्स में यही सब गलती है, तो कैसे ये सरकार इसको करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये सरकार ने सबको, जो इसका मखौटा था ये तो उतर चुका है, और सबको बहुत बुरी तरह से बेवकूफ़ बनाया है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ को वॉर जोन आज बना दिया है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया के अंदर हुआ, ग्रेनेड वहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर फेंके गए, जो सिर्फ वॉर के अंदर, वॉर जोन में आप यूज़ कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हुआ, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ किया गया, किसी की एक आंख चली गई, किसी का एक हाथ चला गया, कुछ लोगों को फ्रैक्चर आ गया। और जिस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करा वो ये है कि जो हमारा मेन, जो लोगों के साथ, जो जिन लोगों ने इस चीज़ को देखा, उनका जो उनके ऊपर बीतेगा इतने सालों तक कि उनके खुद के कैंपस के अंदर ये उनकी खुद की सरकार, उनकी हुकूमत ये कर रही है, तो वो तो लॉन्ग टर्म एक रिपरकशन, डेमोक्रेसी के अंदर जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं हिला है, उसको कैसे हम लोग कॉम्पनसेट कर पाएंगे, उसको कैसे भर पाएंगे, ये भी हमारे सामने सवाल है। और यूनिवर्सिटी जो वॉर जोन बन गई हैं, जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को आज टेररिस्ट बोल देने से लेके जो सवाल पूछ रहा है उसको एंटी नेशनल बोल देना, और जो सबसे जो मुझे दुख देती है वो चीज़ ये है कि जो लोग अमन पसंद लोग हैं, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम वो लोगों को आज देश प्रेम के नाम पर भक्त बना दिया, देश प्रेम के नाम पर एक पार्टी से प्यार करने पर रिड्यूस कर दिया है,
ये कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत बड़ा हमारे साथ मजाक किया है। और मैं अब मुझे लगता है मैंने काफ़ी समय भी ले लिया, मैं बात को ख़त्म करूँगी और यही मैं कहना चाहूँगी कि ये आंदोलन तो लंबा चलेगा और जिसमें हम लोग अपनी जितनी भूमिका दे पाएँ हम लोग देंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े हम लोग उससे नहीं डरते, क्योंकि भारत जो जो संविधान है इसका, जो लोगों को हम लोग मानते हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो गांधी हो, जिन्होंने इस भारत की का एक विजन लिया था, वो आज के विजन से बिल्कुल उल्टा है। और मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करूँगी। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू।